नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस योग के कक्षा में। पेपर का नाम थेरेप्यूटिक योगा, योग के चिकित्सीय पक्ष को हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और जिसके अंतर्गत आज योगा फॉर कार्डियोस्कुलर डिसऑर्डर्स के संदर्भ में पढ़ेंगे। रक्त वाहिकाओं से संबंधित जो विकार हैं उनमें कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जिनको कराया जा सकता है या जिनसे लाभ हो सकता है, उनके बारे में हम जानेंगे और उनका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी जानेंगे कि ये अभ्यास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में क्यों कराया जा सकते हैं। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई भी योग का अभ्यास ऐसे नहीं कराया जा सकता कि कोई भी अभ्यास किसी को भी करा दिया जाए, क्योंकि इस बीमारी में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि हर अभ्यास नहीं कराया जा सकता, कुछ लिमिटेड अभ्यास ही हो सकते हैं। तो वो लिमिटेड अभ्यास कौन कौन से हैं और उनका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इस संदर्भ में हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। रक्त वाहिकाओं से संबंधित जो भी विकार होते हैं, चाहे वह एंजाइना पेन हो या हार्ट से रिलेटेड ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, वाल्व से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो अभ्यास मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो हार्ट की किसी भी समस्या में कराया जा सकता है। अगर वह कर सकता है, करने की स्थिति में है, तो उसको कराए जा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और अभ्यास ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ स्थिति में कराया जा सकता है लेकिन कुछ कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये अभ्यास जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ ये किसी भी तरह की समस्या में इनको कराया जा सकता है, इनसे लाभ की संभावना है नंबर 1, और नंबर 2 इनके अभ्यास से कोई हानि की संभावना नहीं है। उसमें से षटकर्म के अंतर्गत जलनीति का अभ्यास, जलनीति का ऐसा अभ्यास है जो षटकर्म के अंतर्गत कराया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, इस अभ्यास को लोग कर सकते हैं। इसमें कपालभाति का इस्तेमाल किया जाता है पानी निकालने के लिए, उनको अगर ज़्यादा दिक्कत है या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो अच्छा है कपालभाति का अभ्यास न करें, उसके लिए सिंपल मकर आसन में पेट के बल लेटा दें, जो पानी थोड़ा बहुत होगा वो 1-5-7 मिनट लेटे रहें निकल जाएगा, मकर आसन और शशांक आसन। शशांक आसन कई बार अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें घुटने को मोड़ करके बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन्हें घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे लोग शशांक आसन को अवॉइड करें, लेकिन मकर आसन कर सकते हैं। तो मकर आसन का अभ्यास कपालभाति, सॉरी, जलनेति करने के बाद करें। जलनेति में नासिका को साफ करने के लिए, नासिका के पानी को निकालने के लिए कपालभाति का प्रयोग न करें, ये सावधानी है। साथ में नोट्स करते रहिएगा और ये वीडियो भी आप जो है ज्ञान संचय से अपना करके वहां से मिल जाएगा, इसको आप रिकॉर्डिंग प्ले करके ये सावधानियां जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास केवल पीपीटी से काम नहीं चलेगा, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जलनेति होगा तो उसकी कंडीशन है कि उसमें आप कपालभाति का प्रयोग न करें, मकर आसन में लेटा करके पानी का निष्कासन करें। शशांक आसन और मर्जरी आसन और मकर आसन, ये 3 आसन नासिका को साफ करने के लिए या जलनेति का पानी निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें घुटने में जिनको ज़्यादा दर्द है उनको शशांक आसन करने में दिक्कत हो सकती है और मर्जरी आसन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो अच्छा होगा कि मकर आसन करें। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मर्जरी आसन कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मर्जरी में भी दिक्कत होगी, लेकिन शशांक में तो घुटने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें पूरा पैर मुड़ जाता है और धड़ का जो भाग है उसका वजन उसी पे आ जाता है, तो इसलिए घुटने के दर्द से पीड़ित लोग शशांक आसन को अवॉइड करें, और अगर
मकर आसन कर सकते हैं तो मर्जरी आसन कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज मर्जरी मकर आसन सबके लिए बेस्ट है। जलनेति में वो लेटने का सिंपल पोस्चर है, पेट के बल लेट करके एक हथेली ग्राउंड पे, उसके ऊपर दूसरी हथेली, उसी के ऊपर फोरहेड रख करके थोड़ी देर लेटे रहते हैं तो पानी जो होगा वो निकल जाता है। अब इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं। तो नंबर दो पे हृदय से संबंधित कोई भी समस्या हो, रोग हो, या वाहिकाओं से संबंधित कोई रोग हो, तो उसमें संधि संचालन के अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं है। संधि संचालन में एक एक ज्वाइंट का मूवमेंट करते हैं, इसको आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे भी पैर को सीधा करके कर सकते हैं, या कुर्सी पे बैठ के और पैर को आगे कोई स्टूल रख लिया उस पर उठा के रख लिया और फिर एक एक करके ज्वाइंट्स का मूवमेंट करते हैं। देखिए शरीर को गर्म करने के लिए आसन के पहले जो अभ्यास किए जाते हैं उन अभ्यासों में कई तरह के अभ्यास हैं। स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, संधि संचालन के अभ्यास हैं, यंग लोगों के लिए कई बार बॉडी वार्मअप के लिए सूर्य नमस्कार भी करा दिया जाता है। तो कई तरह के अभ्यास होते हैं और ये अभ्यास अलग अलग आयु वर्ग या अलग अलग रोगों के अनुसार चयन किए जाते हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियों में ये जो संधि संचालन के अभ्यास हैं इन्हीं का करना चाहिए, अन्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अन्य थोड़ा हैवी होते हैं, उनमें ज़्यादा श्रम लगता है। ये सरल अभ्यास हैं और इनको किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। और अर्थराइटिस की समस्या जिनको होती है उनको भी इन अभ्यासों से बड़ा लाभ मिलता है। तो इसमें सिंपल एक एक ज्वाइंट का पहले पैर का करते हैं, तो पैर की टखने का, सॉरी पैर की उंगलियों का, फिर टखने का, फिर घुटने का, हिप ज्वाइंट का, ऐसे एक एक करके करते हैं। फिर हाथ का करते हैं तो हाथ में फिंगर ज्वाइंट का, रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर का, फिर गर्दन का करते हैं, और स्पाइन के संधियों के मूवमेंट के लिए जो है मर्जरी आसन का प्रयोग करते हैं, या फिर पीठ के बल लेट करके मेरुदंड आसन का प्रयोग करते हैं। तो मेरुदंड आसन या मर्जरी से मेरुदंड स्पाइन को बोलते हैं, मेरुदंड की जो संधियां होती हैं, स्पाइन की जो वर्टिब्राएं होती हैं, उनका मूवमेंट हो जाता है। तो इस तरह से गर्दन के, हाथ के, पैर के और मेरुदंड के, स्पाइन के, इन चार अंगों के प्रत्येक ज्वाइंट का मूवमेंट इसमें करते हैं। और ये अभ्यास हमारी संधियों के मूवमेंट को मेंटेन रखते हैं और संधियां जितना फ्लेक्सिबल होती हैं उतना ब्लड सर्कुलेशन भी इजी वे में रहता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन इजी वे में शरीर में होगा बिना किसी रुकावट के होगा उतना ज़्यादा हार्ट पर लोड कम पड़ेगा। अब आते हैं आसन, कौन कौन से आसन हैं जिनका अभ्यास किया जा सकता है। तो आसनों में ऐसे अभ्यास किसी भी प्रकार के कार्डियोवास्कुलर डिजीज में किया जा सकता है जो हृदय पर जोर न डाल दे, हृदय पर दबाव न डाल दे, जिसमें कार्डियक मसल्स पे लोड ना आता। क्योंकि ढेर सारे आसन हैं जो इमीडिएट कार्डियक मसल्स पर दबाव बनाते हैं, जैसे चक्रासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, उष्टासन है। तो इस तरह के प्रकृत वाले आसन हृदय रोगी के लिए हानिकारक हैं, जिनको मान लीजिए छल्ले वगैरह पड़ गए हैं उसमें, या एंजाइना पेन होता रहता है, या रेगुलर दवाएं लेते हैं ब्लड को पतला करने के लिए, हार्ट अटैक वगैरह हो चुका है, ऐसे लोगों को इस तरह का आसन आपने अगर गलती से करा दिया तो इमिडिएट प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर ऐसे लोगों को जिनका जो है वो बाईपास सर्जरी वगैरह हो चुकी है, तो उनको गलती से भी इस तरह के कोई आसन नहीं होने चाहिए जो कार्डियक मसल्स पे दबाव डालते हों, खिंचाव डालते हों। कौन कौन से आसन हो सकते हैं उनको मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ जिनका अभ्यास कराया जा सकता है। नंबर एक, खड़े होने वाले में देखें तो खड़े होने वाले में सामान्यतया चूंकि स्टैंडिंग पोस्चर का है, बैलेंस का आसन है, तो अगर टीचर सामने है और पर्टिकुलर बीमारी का पता है कि हृदय से संबंधित कौन सी समस्या है, उसमें क्या स्थिति होती है, तब भले कोई आसन चयन करके करा दिया जाए। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं किसी भी समस्या में, कार्डियोवास्कुलर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या में कौन से आसन हो सकते हैं, तो उसमें स्टैंडिंग पोस्चर को कट कर दीजिए, इस पोस्चर में कोई भी आसन का अभ्यास ना करें तो अच्छा है। नंबर दो, बैठ कर किए जाने वाले आसन। बैठ कर किए जाने वाले आसन में कुछ आसन हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे कि भद्रासन। भद्रासन किया जा सकता है, इसमें हार्ट पर कोई जोर नहीं आता है, पेल्विक मसल्स इसमें प्रभावित होती हैं
और यह नॉर्मली फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत कारगर आसन माना जाता है, भद्रासन, सिटिंग पोस्चर का भद्रासन, तो इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा सिटिंग पोस्चर में सुखासन में सामान्यतया लोग बैठते ही, वो प्राणायाम के अभ्यास के लिए कर सकते हैं। घुटने में अगर दर्द नहीं है तो वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन का हृदय से कोई समस्या नहीं है, समस्या उसको नी पेन से है, तो अगर जिनको नी में दर्द है उनको दिक्कत होगी, अदरवाइज पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, सिद्धियोनासन है, सुखासन है, तो ये सभी आसन हृदय रोगी आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अन्य आसनों के अभ्यास से सिटिंग पोस्चर के बचना चाहिए, जैसे कौन कौन से आसन इनसे बचना चाहिए, तो मंडूकासन वगैरह है, काफ़ी हार्ट पे प्रेशर लाते हैं, उष्ट्रासन है, काफ़ी प्रेशर लाता है, तो इस तरह के आसनों से बचना चाहिए। पेट के बल लेटने वाले आसन में आते हैं, पेट के बल लेटने वाले में मकर आसन, जिसके अभी मैं जलनेति के अभ्यास के समय पानी निकालने की बात कर रहा था, तो वो मकर आसन कर सकते हैं। नंबर दो, बाल कीड़ासन कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे पेट के बल लेटते हैं, तो ये दोनों आसन कराए जा सकते हैं, और दिन ये दोनों आसनों में कोई समस्या नहीं होगी। और उत्थित मकर आसन भी कर सकते हैं, उत्थित मकर आसन भी, हाथ को स्टैंड बना के बस थोड़ी देर ऐसे सिंपल लेटे रहे। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में से सेतु बंधासन कर सकते हैं, मेरुदंडासन कर सकते हैं, जिसकी चर्चा भी संधि संचालन के अंतर्गत स्पाइन के ट्विस्टिंग के लिए मैंने चर्चा की थी। तो ये आसन पीठ के बल होता है, इस आसन का नाम मेरुदंड है, कहीं कहीं इसको उदराकर्षण नाम से भी जानते हैं, तो उदराकर्षण आसन या उदराकर्षण आसन या मेरुदंड आसन, एक ही आसन को दो नामों से जाना जाता है। और सेतु बंधासन, जिसमें पैर मोड़कर सिंपल कमर को उठाते थोड़ा उठाएं, बहुत ज़्यादा ना उठाएं, तो इसमें पीठ पे थोड़ा जोर आता है, लेकिन कार्डियक मसल्स पे कोई प्रेशर नहीं आता है। तो सेतुबंधासन और मेरुदंडासन, ये दो आसनों का अभ्यास पीठ के बल लेट करके किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा आसन है शवासन, जो हर स्थिति में किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विश्रामदायक आसन है, तो पीठ के बल लेटने वालों में से एक शवासन है जिसका अभ्यास कर सकते हैं। करवट लेटने वाले में एक आसन होता है मेरुवकर्षण आसन, उसको भी कर सकते हैं। उसमें करवट लेटते हैं तो साइड के मसल्स नीचे और ऊपर की खींचती हैं, लेकिन हार्ट के मसल्स पे, कार्डियक मसल्स पे कोई जोर नहीं आता है, और हिप ज्वाइंट इत्यादि के लिए मूवमेंट होता है, वो अच्छा अभ्यास है हिप ज्वाइंट इत्यादि के लिए, तो उसको भी अभ्यास, इसका भी अभ्यास किया जा सकता है। मेरुवकर्षण आसन, इस आसन का नाम है मेरु आकर्षण आसन, करवट लेट करके होता है, राइट करवट फिर लेफ्ट करवट। तो ये कुछ आसनों की हमने चर्चा की जिनका अभ्यास हृदय से संबंधित समस्याओं में किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राणायाम के पीछे की जो साइंस है वह मुख्य रूप से यह है कि यह प्राणायाम का जो अभ्यास होता है वो शरीर के अलग अलग प्राणों को प्रभावित करता है। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसको मैंने सबसे नंबर एक पे रखा है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि प्राणायाम को लेकर के जो अब तक स्टडी हुई है प्राणायाम के संदर्भ में, उसमें यह बात सामने निकल कर आई है कि दाहिनी नासिका से जो सांस जाती है, राइट नॉस्टल से जो इनहेल करते हैं, वो हमारे अंदर सिंपैथेटिक पैरा सिस्टम को बढ़ाती है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसे सक्रिय कर देती है, उसे एक्टिवेट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं वो हाइपर होने लगती है। और जो वायु नासिका है, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इससे जो सांस अंदर जाती है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिवेट कर देती है, जिसका परिणाम शरीर के तंत्रों को का हाइपो होना होता है, शरीर के जो तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, वो हाइपो होने लगते हैं, अनुलोम विलोम दोनों को संतुलित कर देता है, क्योंकि इसमें एक बार लेफ्ट से भरते हैं, राइट से निकालते हैं, फिर दूसरी बार राइट से भरते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, तो इसमें जो
पूरक का क्रम है, पूरक माने श्वास लेना, श्वास लेने की प्रक्रिया को योग में पूरक कहा जाता है। तो इसमें जो पूरक की प्रक्रिया है वह सदैव अदल बदल के होती है। एक बार अगर राइट से इनहेल हुआ है, पूरक हुआ है, तो दूसरी बार लेफ्ट से ही होगा। इसी प्रकार एक्सहेल भी कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। कभी लगातार दो बार किसी एक नासिका से ना ही इनहेल होगा और ना ही एक्सहेल होगा, ये कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा। इसीलिए इस प्राणायाम का नाम अनुलोम विलोम है। तो जितना भी नंबर्स इनहेल के होंगे, जितना भी नंबर्स एक्सहेल के होंगे, जितना इनहेल एक्सहेल में जितने अमाउंट एयर अंदर जाएगी या बाहर आएगी, वो सब कुछ क्या होगा, वो सब कुछ बराबर होगा। नेहा जी, नेहा क्या नाम है, नेहा? Yes, sir. इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो? मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा है ज्वाइन। क्यों नहीं हो रहा था? मालूम नहीं सर, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और इसका इम्पैक्ट शरीर के समस्त तंत्रों पर पड़ता है। किसी भी प्रकार की कोई हाइपो या हाइपर क्रिया होती है तो उसका सीधा प्रभाव हार्ट पर पड़ता है। ऐसा भी इस प्राणायाम का एक नाम नाड़ी शोधन भी है, नाड़ियों को शुद्ध करता है। नाड़ियों की शुद्धि और अशुद्धि का रक्त वाहिकाओं से सीधा संबंध है, आर्टरीज और वेन से सीधा संबंध है। योग में नाड़ियों का बड़ा महत्व है, इनकी संख्या 72,000 बताई गई है और जो प्राण है उसी नाड़ियों में प्रवाहित होता है। प्राण मीन्स ऊर्जा जिससे हम सब जीवित हैं। मेडिकल साइंस सर जी, आपके योगा ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया व्हाट्सएप के। चलिए अभी अभी क्लास हो जाने दीजिए, फिर इस पर बाद में डिस्कस करिएगा। अभी तो आप क्लास में तुम्हारे जुड़े हैं ना? यस सर। हाँ, अभी क्लास हो जाने दीजिए। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो ये है कि बाई नासिका अर्थात चंद्र नाड़ी से जाने वाली श्वास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, दाई नासिका से जाने वाली श्वास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। क्योंकि अनुलोम विलोम में दोनों बिल्कुल संतुलित होता है, दोनों बराबर होता है, नंबर्स भी बराबर होते हैं, ड्यूरेशन इनहेल एक्सहेल का जो पीरियड है वो भी बराबर होता है और इनहेल एक्सहेल का जो अमाउंट है, एयर का अमाउंट है, वो भी बराबर होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे बॉडी में दोनों तंत्रों में संतुलन स्थापित होने लगता है। कौन से दोनों तंत्र? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ये दोनों में एक संतुलन स्थापित होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि ब्लड प्रेशर अगर व्यक्ति का हाई या लो रहता है तो वो नॉर्मल की ओर शिफ्ट होने लगता है। हाई है तब भी नॉर्मल की ओर, लो है तब भी नॉर्मल की ओर। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो पहला साइंटिफिक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा ये है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, इन्हीं नाड़ियों में प्राण सर्कुलेट होता है। उनमें से प्रमुख सुषुम्ना है और उसके बाद ईड़ा पिंगला है, उसके बाद फिर और 14 नाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद 72,000 तो हैं। तो इन्हीं नाड़ियों का जो स्थूल रूप है उसे आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है, धमनी और शिराएं इन्हीं का स्थूल रूप है। इन नाड़ियों की शुद्धि पर योग में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और ये माना गया है कि नाड़ियां जब मल से अवरुद्ध रहती हैं तो उसमें प्राण प्रवाह ठीक से प्रवाहित नहीं होता है। योग के अनुसार किसी भी रोग का जो कारण है वह संबंधित अंग तक प्राण का प्रवाहित न हो पाना ही है। एनर्जी का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना ही रोग का कारण माना गया है योग के अनुसार। इसीलिए नाड़ियों की शुद्धि पर बहुत जोर दिया जाता है। अगर मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से मेडिकल भाषा में उसे देखें तो कोई भी रोग हो उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सबसे रिस्पांसिबल उसके लिए होता है। जिस अंग से संबंधित समस्या होती है या रोग होता है वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण वहाँ पर एनर्जी का फ्लो कम होता है और रोग उत्पन्न होता है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें तो मेन फैक्टर ही होता है कि ब्लॉकेज में मुख्यतः ब्लॉक ही होता है। वो ब्लॉक एक दिन में थोड़े होता है, तो ब्लॉक धीरे 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 पड़ता है, लेकिन
जब तक ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है तब तक समस्या नहीं होती है। जब इतना हो जाता है कि वहां पर सप्लाई ही पूरी तरह से ब्लड की हार्ट में बाधित होने लगी, तब जाकर के पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है, वह समस्याएं हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्राणायाम माना गया है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन ही कहा गया है, वहां पर नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। और नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम को अगर हम दूसरी आधुनिक या मेडिकल साइंस की भाषा में कहेंगे तो आर्टरीज और वेन्स को शुद्ध करने वाले, साफ करने वाले, ताकि इजी वे में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे वो प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम का जो है वो साइंटिफिक अप्रोच है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जितनी भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, हाई या लो, या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर इंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या हो, इन सारी समस्याओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम फायदा करता है। दूसरी सबसे जो प्रमुख बात है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से किसी प्रकार की किसी भी बीमारी में क्षति नहीं होती है, बशर्ते उसका हाथ इस लायक हो कि हाथ उठ सके और वो उंगलियों का इस्तेमाल करके नासिकाओं को आवश्यकता अनुसार बंद या खोल सके, बस। बाकी और कोई समस्या नहीं होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, क्योंकि श्वसन चल ही रहा है, केवल उस श्वसन को एक डायरेक्शन देना है बस। अभी जिधर मन है, जितना मन है उतना दाहिने से, जितना मन है उतना बाएं से निकल रहा है और जा रहा है, वो स्वतः हो रहा है, उसी को आपको एक सुव्यवस्थित कर देना है बस, और अनुलोम विलोम में कुछ करना नहीं होता है। तो इसलिए अनुलोम विलोम इकलौता ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी रोग में किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, यह सभी रोगों में लाभ करता है। कुछ रोगों में सीधे लाभ करता है, जैसे रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, इंसोमनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ये बिल्कुल सबसे सटीक प्राणायाम है। तो इन सब में तो सीधे तौर पे काम करता है। बाकी अन्य जो होंगे, कोई भी हो, उसमें सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो असंतुलित होगा ही होगा, और दोनों को ये संतुलित करता है। बीपी हाई या लो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कोई बीमारी हो, ये क्या करेगा, हाई को भी नॉर्मल, लो को भी नॉर्मल। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल चाबी का काम करता है किसी भी डिजीज के में अभ्यास के लिए। दूसरा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि को रेगुलेट करता है, इसलिए यह भी सहयोगी प्राणायाम के रूप में है। भ्रामरी प्राणायाम मुख्यतः मस्तिष्क की सेल को, ब्रेन की सेल को एक्टिवेट करता है, न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। इसलिए वो सारी बीमारियां, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर से जुड़ी हुई हो या कोई भी बीमारी हो, जो तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण या एंजाइटी के कारण उत्पन्न हुई है, उन सब में भ्रामरी प्राणायाम फायदा करेगा। अगर उनका रीजन एंजाइटी, तनाव, इस तरह से कुछ है, या बहुत ज़्यादा बौद्धिक कार्य करने के कारण कोई समस्या क्रिएट हुई है, तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर हृदय से जुड़ी कोई समस्या है और उसमें, उसके बिहाइंड रीजन एंजाइटी, तनाव, इस तरह से कुछ है, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर है के कारण हुआ है, तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शीतली और शीतकारी को किया जा सकता है, लेकिन इन्हें केवल गर्मी के मौसम में करना चाहिए, ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए। ये दोनों प्राणायाम शरीर में शीतलता को बढ़ाते हैं, और इनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि विष को भी समाप्त करते हैं। तो शरीर की जो है वो गर्मी और शरीर की टॉक्सिसिटी, विषाक्तता, ये दोनों को ये निष्प्रभावी करते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम। गर्मी के मौसम में लू या लू से लगने वाले, लू से लगने के कारण या लू के कारण या गर्मी से के कारण कोई भी रोग पैदा होता हो, या कोई भी रोग इन कंडीशंस में बढ़ता हो, गर्मी में बढ़ता हो, उन दोनों स्थितियों में शीतली प्राणायाम नंबर एक। लेकिन यहाँ जो मैंने एक और तीन पे लिखा है, अनुलोम विलोम सबसे प्रभावशाली, उसके बाद तीन नंबर पे भ्रामरी, दो और चार नंबर पे ये सहयोगी प्राणायाम। अब आते हैं ध्यान। ध्यान में, ध्यान का मतलब यहाँ ऐसे अभ्यास हैं जो एकाग्रता को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि योग निद्रा ध्यान में काउंट ऐसे नहीं है, ध्यान का भाग नहीं है, लेकिन इसका स्वभाव ध्यान से जैसा है। जो नेचर ध्यान का होता है, वही नेचर योग निद्रा का होता है। थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ध्यान में एक ही विषय पर केंद्रित करते हैं और योग निद्रा में विषय कंटिन्यूअस बदलता रहता है। लेकिन एक जो एक रूपता है वो ये है कि दोनों में हम मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, दोनों में मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए योग निद्रा का अभ्यास ध्यान के स्वभाव से मिलता है।
तो योग निद्रा का अभ्यास किसी टीचर की देखरेख में उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कर सकते हैं। स्वाहम का ध्यान कर सकते हैं। स्वाहम में क्या होता है, योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में कुछ प्रारंभिक स्टेप्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको करने के बाद से जो टीचर होता है वो आपको जैसा निर्देश देना होता है देता है वैसा ही आपको सोचना होता है। वो जंगल में ले जाए या मंदिर में ले जाए, सूर्य को पर दर्शन कराए या भूमंडल में घुमाए या किसी इष्ट मित्र के पास ले जाए, वहाँ आपकी बातचीत कराए, जो भी करेगा आपको वही करना है। तो कुछ दो चार छः सीटिंग के बाद आपका मन उसकी उसके इंस्ट्रक्शंस को अक्षरशः फॉलो करने लगता है और फिर वो जैसा जैसा बोलता है आपको वैसा वैसा ही अनुभव होने लगता है, वैसा ही वैसा ही होने लगता है। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो विचार है, वो हमारे रोग को, हमारे फिजिकल बॉडी को सीधे प्रभावित करता है। तो इसलिए एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारों से युक्त अगर यात्रा कर ली जाती है 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, तो उसका हमारी फिजिकल बॉडी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी का एक्शन है वो सब कुछ हमारे विचारों पर केंद्रित रहता है, हमारे चिंतन चरित्र पर, हमारे मन के अंदर होने वाले प्रोसेस पर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो इसलिए योग निद्रा इसमें का बहुत अच्छा अभ्यास है। ध्यान में तो हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो कई बार हम ध्यान करने बैठे मन पता नहीं कहाँ चला गया, 20 मिनट बीत गए वहीं घूमता रहा, फिर अरे अरे तो ध्यान कर रहे थे, 20 मिनट बाद याद आया, 5 मिनट बाद आया, और फिर ध्यान कहाँ, चलो ठीक है ध्यान करते हैं, जिस पर भी ध्यान कर रहे थे उस पर टिकाया, उसके बाद फिर कहीं भाग गया। तो दरअसल चूंकि मन को ही कंट्रोल करते हैं और मन से ही कंट्रोल करते हैं, तो मन द्वारा मन का कंट्रोल में यही होता है कि जब वो भागता है तो ऑब्जर्व कौन करे, मन ही तो ऑब्जर्व कर रहा था, वो मन ही भाग गया, तो तुरंत पकड़ ही में नहीं आता, याद ही नहीं आता है कि भाई हम ध्यान कर रहे थे कहाँ चले गए, मुझे ध्यान करना है। तो इसीलिए ये समस्या होती है, लेकिन योग निद्रा में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि योग निद्रा कोई दूसरा कराता है और वो इंस्ट्रक्शंस देता है। दूसरा, इसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, मानसिक मूवमेंट, फिजिकल नहीं, मानसिक मूवमेंट, किसमें, योग निद्रा में। वो आपको कुछ ना कुछ काल्पनिक ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ दृश्य, कुछ ना कुछ कंडीशंस, कुछ ना कुछ चित्र, प्राकृतिक या आर्टिफिशियल, वो आपको दिखाता रहता है और आप वो देखते रहते हैं, तो आप पूरी तरह से अन्य दुनियादारी से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर कुछ दिन के बाद आपकी आदत वही हो जाती है। तो इसलिए योग निद्रा प्रारंभिक साधकों के लिए ध्यान से बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे स्वाहम ध्यान। स्वाहम ध्यान पे क्या होता है, स्वाहम ध्यान में आप अपनी श्वास पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आप देखिए श्वास से एक आवाज आती है, जब इनहेल करते हैं तो सो और एक्सहेल करते हैं तो हम, ध्यान से सुनिए। सो हम, सो हम, सो हम, इस तरह से कुछ आवाज आती है, जो इनहेल करते समय सो और एक्सहेल करते समय हम, इसका मतलब हुआ सो हम, मैं वही हूँ, कौन, जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं। ये कुछ जो है शंकराचार्य ने जो उद्घोष किए थे उसी से मिलते जुलते चीजें हैं। तो स्वाहम का मतलब है, स्वाहम ये वेदांत का वाक्य है, वेद का वाक्य है, सो हम तत्त्वमसि, अहम सच्चिदानंदो स्वरूप, या मैं आनंद स्वरूप हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या स्योहम, मैं स्यु हूँ, तत्त्वमसि, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, स्वहम। तो ये सब क्या है, ये स्टेटमेंट हैं जो अपने वास्तविक सत्ता की पहचान कराते हैं। तो यहाँ स्वहम का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि मैं वही हूँ जो परमात्मा। और ध्यान से अगर अपनी श्वास की आवाज़ को सुने तो वो ये सदैव जपता रहता है, स्वाहम ध्यान या स्वाहम जप इसको बोलते हैं, और इसी को अजपा जप भी बोलते हैं, अजपा जप और स्वाहम जप एक ही चीज़ है। तो अपनी श्वास पर ध्यान करेंगे तो स्वाहम ध्यान हो जाएगा, और अपनी श्वासों को जपेंगे, मन को उसी के साथ लगाएंगे तो स्वाहम जप भी हो जाएगा। स्वाहम जप का अजपा नाम है, अजपा मीन्स जो जपा ही ना गया और वो कंटिन्यू जप चल रहा है। तो ये जब किसके द्वारा हो रहा है, जिह्वा के द्वारा नहीं, श्वास के द्वारा हो रहा है। और ये क्या जप रहा है, ये कह रहा है मैं वही हूँ जो परमात्मा है, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, सो 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 हम। तो ये जो ध्यान है वो स्वहम का ध्यान कहलाता है।
इसी तरह से श्वास पर ध्यान, ये श्वास प्रश्वास का जो ध्यान है बहुत ही प्रचलित ध्यान है। जब ध्यान की हम बात करते हैं तो स्वाहम पर ध्यान कर सकते हैं या फिर अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान कर सकते हैं। कायदे में देखा जाए तो स्वाहम पे श्वास प्रश्वास पे ही ध्यान करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नाम दे दिया गया, क्योंकि इनहेल के समय हम श्वास पर ध्यान करते हैं, एक्सहेल के समय श्वास पर ध्यान करते हैं। इनहेल के समय क्या करते हैं, सो की कल्पना करते हैं, सो की आवाज आ रही है उसे सुनते हैं, कल्पना नहीं तो वास्तविक आवाज है उसे ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से सुनते सुनते आपको इनहेल के समय जो है वो सो ही सुनाई पड़ेगा, और हम निकालते समय जो आवाज होती है उसे हम कहते हैं। तो इसी तरह से सो हम, सो हम, इस तरह से जो श्वास चल रही है उसको बंद नेत्रों से कर्ण के द्वारा श्रवण करना है, कर्ण के द्वारा उसको अनुभव करना है, यही स्वाहम जो है वो ध्यान कहलाता है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान अपनी श्वासों में, इनहेल के समय और एक्सहेल के समय जो आवाज हो रही है उसी पे कंसंट्रेट करें, और कायदे पे उस पे कंसंट्रेट करेंगे तो स्वाहम ही होगा। और फिर ओमकार का ध्यान, ओमकार में ओम पर सीधे ध्यान कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, आफ्टर चैंटिंग वहां पे ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए चार लिख दिए, चार ही नहीं कहीं से किसी भी तरह का ध्यान कर सकते हैं। इसमें आईब्रो के मध्य में जो है उगते हुए सूर्य का ध्यान हल्का कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी के साथ नहीं, क्योंकि इसमें सावधानी यह है कि इस तरह से करने से अगर अभ्यासी को ज्यादा अभ्यास नहीं है, कुछ उसको ऐसी समस्या है जिसमें बीपी वगैरह ज्यादा वादा रहता है या कुछ दूसरी बातें हैं, तो उसे फिर हेडेक होने लगेगा, उसे हेडेक होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आईब्रो के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान नाभि पे करें वो सबसे अच्छा है, नाभि पे उगते हुए सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास पे ध्यान कर सकते हैं, ओमकार का ध्यान कर सकते हैं, चैंटिंग किया और चैंटिंग थोड़ा सा करके फिर उसके बाद उसका ध्यान किया, ओम का जप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका एक और फायदा होगा कि आप मन डाइवर्ट होगा तो थोड़ा सा मन जो भौतिकवादी दुनिया है उससे डिटैच होगा, उससे डिस्कनेक्ट होगा, और हम जो भी उस तरह की चीजें हैं उनसे जुड़ेंगे। योग निद्रा में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग में से योग निद्रा के जप की, और नहीं तो फिर योग निद्रा को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे करके कराया जा सकता है, रोगी को टीचर के द्वारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे करके। उसका एक बना बनाया पूरा सेट है जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, और कुछ स्टेप्स के बाद फिर जो रोगी है या जो अभ्यासी है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, और उसका पूरा नियंत्रण टीचर के पास लगभग रहता है, और जैसा इंस्ट्रक्शंस देता है वो वैसे ही अनुभव भी करता है, और वैसे ही उसमें चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं या परिवर्तन होता है। तो ये हमने कुछ सरफेस अभ्यास आपको बताए। अब कुछ इसी समस्या को दूसरी तरह से ले लेते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से बचने के लिए क्या अभ्यास हो सकते हैं। तो समस्या कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम थोड़ा अलर्ट हैं और हम चाहते हैं कि मुझे हृदय से संबंधित कोई भी विकार ना हो, तो इसके लिए हमें कौन कौन से अभ्यास करना चाहिए। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी तक जो जो अभ्यास वर्जित किए गए वो सब कराएंगे, कराए जाएंगे, और वही अभ्यास मुख्य रूप से हृदय रोग से बचाएंगे, या कार्डियोस्कुलर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनकी होने की संभावना को वो खत्म करेंगे। वो कौन कौन से अभ्यास हैं, वो सब जो इसमें प्रतिबंधित किया गया था कि ऐसे अभ्यास न करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक यंग व्यक्ति, फिट व्यक्ति जिसको कोई समस्या नहीं, अगर रेगुलर करता रहे तो कार्डियोस्कुलर डिजीज होने की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक बार इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट एक बार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके प्रवाह से आर्टीज और खासकर आर्टीज में रक्त प्रवाह बहुत तीव्र हो जाएगा और उसमें क्लीननेस हो जाएगी, ब्लड गाढ़ा नहीं होने पाएगा, शरीर में उसकी जो है वो उसका पतलापन मेंटेन रहेगा। तो वो सारे आसन इसमें नंबर एक पे फायदा करेंगे जो आसन कार्डियक मसल्स पर सीधे खिंचाव डालते हैं या सीधे दबाव डालते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, चक्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, मयूरासन हो गया, शलभासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, उष्टासन हो गया। तो ये सारे अभ्यास हृदय से संबंधित समस्याओं से अपने आप को बचाने के लिए, जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है, जो बचाव वाला पार्ट है,
उसके लिए बहुत कारगर हैं। अगर इन अभ्यासों को आप अल्टरनेट डेज या सप्ताह में 2 से 3 दिन भी कर लेते हैं तो एक बार अच्छे से कार्डियक मसल्स सब एक्टिव हो जाती हैं, रक्त प्रवाह हृदय की ओर अच्छे से हो जाता है और उनका जो स्वास्थ्य स्तर है, इन इंटरनल अंगों का जो स्वास्थ्य स्तर है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से बचाव के अभ्यास यानी हृदय रोग से प्रबंधन या बचाव के अभ्यास अलग होंगे और हो जाने के बाद उनके अभ्यास अलग होंगे। इस तरह से 2 एंगल से इनकी चर्चा आज की गई कि कैसे हमारे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में किए जा सकते हैं या कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अगर उनका अभ्यास किया जाए तो उसमें कार्डियोवास्कुलर से संबंधित विकारों की समस्याएं न होने की संभावनाएं पाई जाती हैं, उनसे बचाव हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, उन अभ्यासों की चर्चा की गई। और उनमें जो अभ्यास होंगे वो जैसे कि मैंने चर्चा की है कि उनमें आसन भी सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, सिंहासन, धनुरासन, चक्रासन, हलासन, नौकासन, ये सब किए जा सकते हैं। पेट के बल, पीठ के बल, करवट लेटने वाले, ये हर तरह से आसन किए जा सकते हैं। संधि संचालन के अभ्यास अगर व्यक्ति यंग है तो और उसको ज़्यादा कोई समस्या नहीं है ज्वाइंट वगैरह में तो वो थोड़ा संधि संचालन की जगह जो स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम है आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की उनका अभ्यास कर सकता है। और यहाँ पर बचाव के लिए अगर कोई समस्या नहीं हुई है और तब उससे अपने आप को बचा के रखना है तो उसके लिए यहाँ पर त्राटक का अभ्यास कारगर होगा। त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं, कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे अभ्यास बचाव के लिए जो है उपयोगी हैं, उसमें कोई समस्या की संभावना नहीं है। तो इस तरह से आसन, संधि संचालन और इनके बात हो गई। अब प्राणायाम में थोड़ा देखते हैं। प्राणायाम में जो हैं तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको कोई हटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें भस्त्र का भी ऐड किया जा सकता है। सर्दी के मौसम में सूर्यभेदी भी ऐड किया जा सकता है। तो ये सारे प्राणायाम, भस्त्र का प्राणायाम और षटकर्म में कपालभाति और जो है सूर्यभेदी, इनका भी अभ्यास किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए, बचाव के लिए करना चाहिए। अगर रोग नहीं हुआ है तो भस्त्र का प्राणायाम बहुत लाभकारी होगा रोग से बचाने के लिए, क्योंकि भस्त्र का प्राणायाम सबसे बड़ा दुश्मन कफ का है। बॉडी में कफ और कफ से जनित रोगों को नहीं पनपने देता है भस्त्र का प्राणायाम, कफ को समाप्त करता है। तो इसलिए भस्त्र का प्राणायाम भी बचाव के लिए, हृदय रोग हमको ना हो आगे फ्यूचर में, और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह कोई जो है वो असामान्यता नहीं है, तो हम वहाँ पर जो है वो भस्त्र का प्राणायाम भी उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास संपन्न हो रही है। अब आप लोगों को जो पूछना है, क्वेश्चन आंसर का सेशन ओपन करते हैं। जो आज का प्रेजेंटेशन था उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं।